हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए देखते हैं क्या है आज की रेसिपी। सब्सक्राइब करें सुप्रिया रेसिपी को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ओट्स केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। इस केक में हम चीनी का भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, साथ ही साथ इस केक को हम ओवन में भी नहीं बनाएंगे, साधारण सी पतीली में इस केक को हम बनाएंगे। इस केक में ना तो हम कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही इसमें हम कर्ड यूज़ करेंगे, ना ही इसमें हम बटर यूज़ करेंगे और ना ही इसमें हम अंडा यूज़ करेंगे। उसके बाद भी हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी बन करके तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में मैंने 2 चम्मच टूटी फ्रूटी लिए, ये होम मेड टूटी फ्रूटी है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मेलन सीड्स, 2 चम्मच कटे हुए काजू और बादाम, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, 2 चम्मच किशमिश, मैंने यहाँ पर ब्लैक ली है, आप गोल्डन ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गेहूँ का आटा और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट यूज़ करें उसमें आटा ज़रूर डालें, इससे जब आप केक के ऊपर इसे सजाएंगे तो वो उसके तले में नहीं बैठेगा। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच विनेगर या सिरका डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सिरका आता है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मिक्स हो चुका है, इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हम एक केक टिन लेंगे और इसके सभी साइड्स को हम ऑयल, बटर या घी से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद आप इसमें सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ और उसे मैंने इस मोल्ड की साइज़ का कट कर लिया है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे कि केक को अनमोल्ड करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसमें हम ऑयल लगा देंगे। ये रेडी हो चुका है, इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल की क्वांटिटी आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, फिर आपको मिल्क की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, पर ज़्यादा खुशबू वाला ऑयल ना लें, जैसे कि सरसों का तेल या तिल का ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप गुड़। गुड़ को मैंने ग्रेट करके यूज़ किया है, आप गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर अगर आप चाहें तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो गुड़ डाल के इसे हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऑयल के साथ मिक्स होने में, तो इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में से हमें मिक्स करना है। ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है और मिक्स भी हो चुका है। तो अब हम एक छन्नी लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे की क्वांटिटी भी आप कम कर सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो जो साधारण छोटा वाला चम्मच होता है उसमें से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और उसी चम्मच से 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे हम, और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है, इससे इसमें एरिएशन हो जाता है और हमारा जो केक होता है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ बनता है। तो इसलिए आप जब भी कोई आटा यूज़ करें उसे छाने ज़रूर। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ओट्स, ये प्लेन ओट्स है। मैंने आपको कहा था कि आप फ्लोर की क्वांटिटी कम कर सकते हो, तो फिर आप ओट्स की क्वांटिटी बढ़ा लो, इसे 3/4 कप कर लो और गेहूं के आटे की क्वांटिटी जो है उसे भी 3/4 कर लो। तो उसे हम अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने इसे शुरू किया था। तो इसे हम मिक्स करते जाएंगे, एक बार में सारा दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालें जिससे कि इसका एक लम्स फ्री बैटर रेडी हो सके। इसका हमें स्मूथ बैटर रेडी करना है, पर इसे हमें ओवर मिक्स भी नहीं करना और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं फेंटना है, हल्के हाथों से इसे फेंटिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, पर इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हो, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम जो टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट का मिक्स हमने बना के रखा था वो हम 1/2 इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर देंगे बस। तो ये रेडी हो चुका है। अब इस बैटर को हम ग्रीस की हुई केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे हम हल्का सा टैप कर देंगे 1-2 बार, उसके बाद बची हुई टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट से इसे हम गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए तैयार हो चुका है।
अब आज इस केक को मैं बेक करने वाली हूँ एक बड़े पतीले में। तो एक बड़ा पतीला चाहिए, उसमें मैंने डाला है 1.5 कप नमक और एक वायर स्टैंड। अगर आपके पास वायर स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी को या प्लेट को इस तरीके से उल्टा करके इसमें रख सकते हैं। नमक का लेवल 1/2 इंच होना चाहिए, नमक डालना ज़रूरी है जिससे आपका पतीला भी ख़राब नहीं होगा। इसे ढककर हम 6 से 7 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। तो ये देखिए ये गर्म हो चुका है। अब हमारा जो केक का बैटर है या केक टिन, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत गर्म हो चुका होगा इसलिए इसे आपको बहुत सावधानी से इसमें डालना पड़ेगा। ये जो नमक है इसे आप कई बार यूज कर सकते हैं, इसलिए आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें और बेकिंग के लिए इसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम ढक देंगे। शुरू के 1 से 1.5 मिनट फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे हम 30 से 35 मिनट तक बेक होने देंगे और इसे बार बार ना खोलें, नहीं तो आपका केक सही नहीं बनेगा। 25 मिनट के बाद मैंने केक को खोला है और ये अभी बीच में थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, तो इसे मैं फिर से ढक दूंगी और 8 मिनट और इसे मैं बेक होने दूंगी। तो ये देखिए 8 मिनट के बाद मैंने खोला है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। टोटल मुझे 35 मिनट के आसपास लगे हैं। अब हम एक नाइफ लेंगे और इसके सेंटर में डालेंगे। अगर ये क्लीन आ रहा है मतलब केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे, तो इसे आप बहुत सावधानी से निकालें। और अब इस केक को हम पूरे तरीके से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इस केक को हमें अनमोल्ड करना है या मोल्ड से बाहर निकालना है। तो ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है, तो एक नाइफ से इसके किनारों को हम टिन से अलग कर लेंगे और उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे और उसमें इस तरीके से इस टिन को उल्टा करेंगे और थोड़ा सा थपथपाएंगे तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखिए हमारा केक निकल आया और बटर पेपर भी इस टिन में ही रह गया। तो इसे हम फिर से पलट लेंगे। अभी ये हल्का गर्म ही है, मैंने इसे गर्म में ही निकाल लिया है। अगर आप गर्म में निकालोगे तो ये टूट सकता है, तो इसे पूरा ठंडा होने दें। और देखिए कितना सॉफ्ट और कितना डिलीशियस हमारा केक दिख रहा है। आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आपकी जो भी क्वेरी हो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।